अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो इस वेरिएबल पावर सप्लाई के बारे में है। बहुत से फैन की ये रिक्वेस्ट थी कि भाई वेरिएबल पावर सप्लाई बनाकर दिखाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद अपने घर में खुद वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हैं। और ये वेरिएबल जो पावर सप्लाई है, इसके अंदर जो है आपका जो सामान इसके अंदर लगना है वो आमतौर पर हर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बासानी मिल जाएगा। और इसके अंदर जो लगने वाला सामान है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप चाहें वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो आज मैं सिखाऊंगा कि आप ये किस तरह वेरिएबल बना सकते हैं पावर सप्लाई। इसके जो वोल्टेज है 1.2 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट तक लेके जा सकते हैं आप इसके वोल्टेज को। और एम्पेयर जो है ये 3 एम्पेयर मैक्सिमम आपको बताएगी, 3 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं देगी आपको। तो उम्मीद है दोस्तों आपके वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हमने खुद आज वेरिएबल पावर सप्लाई ये बनाई है। और आप देख सकते हैं कितनी शानदार वेरिएबल पावर सप्लाई बनी है, जिसके ऊपर वोल्ट मीटर भी है, एम्पेयर मीटर भी है, उसके बाद गैलियम भी है, जिससे आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आउटपुट बनाना प्लग भी है। और बैक साइड पर दिखाऊँ तो उसके बैक साइड पर आप देख सकते हैं एक हमने सॉकेट लगाई हुई है, ऑन ऑफ का बटन है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो एक ये मल्टीपर्पज़ वेरिएबल पावर सप्लाई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, अगर पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप वेरिएबल पावर सप्लाई बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब बनाने वाले हैं वेरिएबल पावर सप्लाई, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। काफ़ी आप फैंस की जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि वेरिएबल पावर सप्लाई बना के दिखाएं। आपने वेरिएबल पावर सप्लाई के बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखे होंगे, तो आज मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर मेरे पास काफ़ी सारे रेगुलेटर हैं। इसके अंदर जो मेरे पास एक रेगुलेटर है ये LM2596 है, या मैं आपको नज़दीक करके दिखाया तो ये आप देख सकते हैं ये जो है हमारा LM2596 है। तो इसको हमने यूज़ करना है, ये एक DC बक कन्वर्टर है जो कि स्टेप डाउन करता है। तो इसको हमने यूज़ करना है, तो इसको यूज़ इसलिए करना है क्योंकि हमने जो है वोल्टेज को कम करना है ज़्यादा वोल्ट से, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं स्टेप डाउन। और ये जो हमारी सप्लाई बनने वाली है मैक्सिमम 3 एम्पेयर की बनने वाली है, क्योंकि जो बक कन्वर्टर 3 एम्पेयर का है, अगर आप बड़ा बक कन्वर्टर लगा लेंगे तो वो ज़्यादा एम्पेयर की बन जाएगी। तो हमें बक कन्वर्टर की ज़रूरत है, उसके बाद हमें जो है एक वोल्ट मीटर की ज़रूरत है, वोल्ट एमीटर की। जो मेरे पास ये वोल्ट एमीटर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर दो जो है बने हुए हैं डिजिट, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर जो है वोल्ट के नीचे एम्पेयर के। तो इसको यूज़ करना, ये 10 एम्पेयर तक मैक्सिमम बर्दाश्त करता है, 30 से 40 वोल्ट तक। उसके बाद जो मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि 12x12 का है, ये बूफर का ट्रांसफार्मर है, आप किसी भी ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल कर सकते हैं। 12x12 से मुराद दोस्तों ये इसके अंदर दो सप्लाई निकल रही है 12x12 की, उसके बाद 10 वोल्ट की भी इसके अंदर सप्लाई निकल रही है। उसके बाद हमें और सामान चाहिए होगा, जिसके अंदर हमें ऑन ऑफ का बटन चाहिए होगा एक, हम ये इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद हमें कुछ बनाना प्लग चाहिए होंगे, तो दो मैं ये इस्तेमाल कर लेता हूँ, एक नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव कुछ हमें चाहिए होंगे डायोड्स वगैरह। उसके बाद कुछ हमें चाहिए होंगे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर हम लेंगे ज़्यादा वैल्यू का। तो कैपेसिटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर 35 वोल्ट लिखा हुआ है, 1000 UF, तो 1000 UF 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर वही यूज़ करना चाहिए कि जितना आप वोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर आप 30 वोल्ट इस्तेमाल करें उससे ज़्यादा कैपेसिटर होना चाहिए ताकि वो फटे ना। तो ये हमारा सामान है, तो अब हम सप्लाई बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, अब हमने तैयार करनी है इसकी बॉडी जो कि हमारी सप्लाई की है। तो बॉडी तैयार करने के लिए मैं ये प्लाईवुड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके ज़रिए हमने इसकी बॉडी तैयार करनी है। तो मैं इसकी कटाइयाँ कर लेता हूँ कुछ। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं ये सारे पीसेस जो हैं काट लिए हैं हमने, तो इन सारे पीसेस को जोड़ना है। तो ये जो पीसेस हैं हमारे फ्रंट के हैं, तो इसके ऊपर फ्रंट पे पहले फिट कर लेते हैं अपने मीटर के। तो मीटर की फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें मीटर को फिट करना है, तो मीटर को हमने यहाँ पर फ्रंट पे फिट कर देना, आप देख सकते हैं ऊपर। तो सबसे पहले हम अपने मीटर की जो है वो कटाइयाँ बना लेंगे। तो अब करते हैं सबसे पहले अपने मीटर को फिट। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं मीटर है हमने इस तरह फिट कर लिया है। उसके बाद अब बाकी जो है इसके बनाना प्लग के कनेक्शन निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो है इसके ऊपर बटन का फ्रंट पे कनेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये सारे कनेक्शन हम यहाँ पर जोड़ लेंगे।
तो लीजिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला वॉल्यूम यूज़ कर रहा हूँ, ये जो है 10K का एक वॉल्यूम है मोनो, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। तो अब यहाँ पर सुराख कर लेते हैं और इसको करते हैं फिट। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं वॉल्यूम लग चुका है, उसके बाद बाकी जो है बाकी फिटिंग कर लेते हैं। तो बाकी फिटिंग करने के लिए हमें चाहिए होगा ट्रांसफार्मर, उसके बाद डायोड, कैपेसिटर, एक मेज के बाद हमें चाहिए होगा बक कन्वर्टर। तो ये बक कन्वर्टर को हम खोल लेते हैं। तो ये सामान आने के बाद हमें 4 डायोडों की ज़रूरत होगी, तो ये मैं 4 डायोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद हमने इसको बना लेना है ब्रिज। दोस्तों जो ब्रिज की डायग्राम इधर स्क्रीन पे आ रही होगी, इसको देख के भी आप खुद ब्रिज बना सकते हो। अब मैं जो हम ब्रिज को बना लेता हूँ। तो लीजिए जी, ब्रिज बन चुका है, उसके बाद इस ब्रिज को हम सोल्डर कर देते हैं अपने ट्रांसफार्मर का। उसके साथ बाद हमने इसके साथ लगा लेना कैपेसिटर, ताकि फ़िल्टर होकर जो है हमें DC वोल्ट मिले। तो अब हम इसको अपने ट्रांसफार्मर के साथ अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों, सप्लाई को बनाना इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। तो ये समझ लें एक छोटा सा जुगाड़ ही है जिससे हम बना रहे हैं। तो बाकी देखा जाए तो बहुत अच्छी सप्लाई बनेगी 3 एम्पीयर में। तो एक तो सस्ती भी होगी और आप खुद भी आराम से बना सकते हैं। तो इसकी जो सर्किट डायग्राम है, मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख के खुद बना सकते हैं। तो लीजिए जी, ब्रिज जोड़ लिया है, उसके बाद इसमें से जो है हमने आउट निकालनी है। तो इस आउट को हमने देना है अपने LM2596 की इन में। तो इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो लीजिए जी, अब आप जैसे ब्रिज के साथ हमने LM2596 कनेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है इसके साथ ही मैं अपने कैपेसिटर को भी कनेक्ट करने वाला हूँ। तो लीजिए जी, कैपेसिटर भी अटैच कर लिया है। उसके बाद अब ये काम करना है, जो इसकी आउट है वो हमने मीटर में भी देनी है। मीटर से इसमें से आउट होती हुई हमारे जो है इन बनाना प्लग्स में चली जाएगी, ताकि हम यहाँ से अपनी कोई भी चीज़ को चलाकर उसके वोल्टेज कम ज़्यादा करके उसको चला सकें। तो अब हमने ये करना है, इसके जो है अपने मीटर की सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मीटर के अंदर जो निकलती है 2 तारे होती हैं, एक ये और एक ये। तो इसके अंदर जो है हम 2 तारे ये हैं, तो इनमें से हमने ये करना है कि पहले जो ये ब्लैक है इसको हमने आउट की नेगेटिव पर लगा देना है। तो सबसे पहले मैं इसका आउट की नेगेटिव पर लगा देता हूँ। उसके बाद जो रेड और वाइट है, इस मीटर के अंदर 2 तारे हैं, तो ये हमारी एक वोल्टेज की हैं और वोल्ट डिटेक्शन की हैं। तो उसको मैं लगा देता हूँ इनकी आउट की पॉजिटिव में। तो ये दोनों लगाने के बाद अब हमने जो है एम्पेयर मीटर की सेटिंग करनी है। तो एम्पेयर मीटर की सेटिंग कर लेते हैं। तो अब हमने एम्पेयर मीटर की सेटिंग इस तरह करनी है, इसमें 2 वायरें हैं, एक रेड है एक ब्लैक है। तो ब्लैक जो है हमारी यहाँ से जो है करंट गुजरेगा और रेड की तरफ से निकलेगा, यानी कि ब्लैक जो है हमने इन पे आउट पे लगा देनी है और जो रेड है वो लोड पर लगानी है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ, ब्लैक को आउट की नेगेटिव पर। तो अब रहती है जी रेड लगानी है हमने, जो रेड बनाना प्लग है इसके नेगेटिव पॉइंट पर, क्योंकि जो हमने इसमें एम्पेयर जो मिलेंगे हम नेगेटिव वायर से चेक करने वाले हैं। तो अब मैं नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर ये रेड जो है लगा देता हूँ, और उसके बाद जो पॉजिटिव बचती है वो पॉजिटिव मैं ड्रैग जो है पॉजिटिव बनाना प्लग के अंदर लगा दूंगा। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने दोनों जो है बनाना प्लग इसके साथ कनेक्ट कर लिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ये रेड भी कनेक्ट हो गया, ब्लैक भी कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो 2 वायर्स रहती हैं मीटर की, इनको हम लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, तो ये भी मीटर की वायर लग गई। उसके बाद जो डबल वाली रहती है ये, इसको भी मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो मीटर की वायर लग गई हैं। उसके बाद एक कनेक्शन रह गया जो कि हमारे वॉल्यूम का है, कि वॉल्यूम का कनेक्शन देना है। तो वॉल्यूम का कनेक्शन देने के लिए हम जो है इसकी वेरिएबल है इसको उतार लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर वेरिएबल लगी है 10K की, इसको मैं उतार लेता हूँ। तो इसको उतारने के बाद इसके अंदर से 2 वायर निकलेंगे, इन दोनों वायर को हमने अपने इस वॉल्यूम के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो लीजिए ये बात देख सकते हैं, वॉल्यूम भी जो है कनेक्ट हो चुका है। उसके भी जो 2 वायर हैं ये आप देख सकते हैं नीचे आ रही है, ये भी कनेक्ट कर दी है। उसके बाद एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं ऑन करके ट्रांसफार्मर को, आया हमारा जो सारा सिस्टम सही वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद सारा फिट करके एक दो फिर फाइनल इसके ऊपर लोड डालकर भी टेस्ट करेंगे। तो मैं इसको चलाता हूँ। तो लीजिए जी, मैं करने लगा हूँ इसको ऑन। ऑन करती है आप देख सकते हैं अभी 12.8 वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी जो है ये वॉल्यूम जो लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस वॉल्यूम से जो है मैं कम करता हूँ और वोल्टेज को ज़्यादा करता हूँ। सबसे पहले हम वोल्टेज कम करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं वोल्ट जो हमारे 1.3 वोल्ट तक आ चुके हैं। उसके बाद हम वोल्ट बढ़ाते हैं, कितने वोल्ट तक हमारे वोल्ट जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो वोल्ट जा रहे हैं 32.6 वोल्ट तक जा रहे हैं। उसके बाद वोल्टेज को आप यहाँ वेरिएबल से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपने देखा ये बहुत ही आसान तरीका है एक 3 एम्पेयर तक की पावर सप्लाई बनाने का। अगर आपने 10 एम्पेयर में बनानी है, 5 एम्पेयर में बनानी है, तो आपको उतने ही एम्पेयर का ये बक कन्वर्टर लेना पड़ेगा। बक कन्वर्टर लें, बक कन्वर्टर के अंदर एक ऐसा कन्वर्टर भी आता है जिसके अंदर एम्पेयर और वोल्ट दोनों भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आप 2 वेरिएबल लगा लें, सिंगल वाला है तो वोल्टेज वाली वेरिएबल लगाएं जिससे वोल्टेज कम ज़्यादा होगी। जैसे आके आप यहाँ पर देख सकते हैं वोल्ट कम और ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब इस सारे सामान को फिट करते हैं, फिर इसके ऊपर लोड डाल के टेस्ट करेंगे।
तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं बैक साइड पे हमने एक ग्रिप लगा दिया है, जिसके ज़रिए आप अपनी कोई भी पावर केबल इसके साथ लगाकर अपनी सप्लाई को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब इसको जो है कवर लगा लेते हैं और इसको पक्का बंद कर देते हैं। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं पावर सप्लाई जो है मुकम्मल तैयार हो चुकी है। तो ये है जी हमारी मुकम्मल पावर सप्लाई। तो ये 3 एम्पीयर तक की है मैक्सिमम, अब ये वेरिएबल है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी। तो लीजिए जी, ये आ चुकी है जी हमारी मोटर। अब इस मोटर को हम टेस्ट करने वाले हैं। तो मैंने सप्लाई को किया हुआ है ऑन, ये 1.2 वोल्ट पे है। तो वेरिएबल से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये पॉजिटिव कनेक्ट करता हूँ। तो अब मैं इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूँ जी नेगेटिव, तो नेगेटिव कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कनेक्ट किया आप देख सकते हैं मोटर चलना शुरू हो गई है और फुल स्पीड पे नहीं चल रही है, लो स्पीड पे एम्पेयर जो ले रही है 0.62 एम्पेयर ले रही है। अब वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो फुल वोल्टेज दे दिए हैं, अभी जो वोल्ट ले रही है 12 है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं। सारे जो वोल्ट है वो हमारी मोटर खा रही है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं एम्पेयर जो ले रही है वो 2.5 एम्पेयर मैक्सिमम ले रही है ये मोटर, और फुल स्पीड में चल रही है। अब इसकी स्पीड कर देते हैं कम। तो अब ये हो गई है बिल्कुल लो स्पीड। तो इस तरह जो है अब हमारी वेरिएबल बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और जो मोटर है इसने भी बेहतरीन तरीके से इसकी स्पीड जो है कम ज़्यादा हुई है। अब इसके ऊपर कोई LEDs कोई लाइट वगैरह टेस्ट कर लेते हैं। तो लीजिए जी, अभी कनेक्ट करने लगा हूँ इसके साथ जो है LED लाइट। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे वोल्ट बढ़ा रहा हूँ इसकी जो है रोशनी कम ज़्यादा हो रही है। तो वोल्ट आप देख सकते हैं अभी 8 वोल्ट पे चले गए, 9 वोल्ट पे एम्पेयर 10 ले रही है, 22 हो गए, 66। उसके बाद जैसे जैसे और वोल्ट बढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा वोल्ट बढ़ाऊँगा तो इसका ख़राब होने का भी खदशा है। तो इसके लिए हम इसको नॉर्मल वोल्ट तक ही रखेंगे, कम से कम 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट पे ये फुल ग्लो हो गई है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैं जैसे ही वेरिएबल कम कर रहा हूँ उसकी जो रोशनी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो इस तरह जो दोस्तों आप अपने घर में वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल पावर सप्लाई। आप देख सकते हैं बैक साइड पे इसके जो हमने सॉकेट लगाई थी यहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हैं आसानी से लगा भी सकते हैं और इसको उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद हमने इसके फुट भी लगाए थे जिसके ज़रिए आप इसको खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है जी हम आज की हमारी वेरिएबल पावर सप्लाई। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी। और ये बहुत से लोगों का कमेंट था कि भाई वेरिएबल पावर सप्लाई बना के दिखाएं, वेरिएबल चाइना की भी मिल जाती है लेकिन उससे अच्छा है कि आप खुद ही घर में ये तैयार कर लें। तो ये बहुत है शानदार और ये जो है उससे ज़्यादा जो है आपका लोड भी उठाएगी क्योंकि ये आपकी खुद की बनाई हुई होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आइंदा मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ नहीं लेके आऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।